गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हाउ टू लर्न डिविजिबिलिटी टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट हाउ टू लर्न डिविजिबिलिटी कि किस प्रकार नंबर को भाग दिया जाए। एक्सरसाइज 6.5 बहुत ही आसान है। सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू कोई नंबर है उसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या ये दो से भाग हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, इसको आपने लर्न करना है। ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय टू, एक संख्या दो से भाग हो सकती है, जो डिवाइजेबल मीन भाग हो सकती है। कब? इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज, यदि जो संख्या दे रखा है टू डिजिट हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, सेवन हो सकते हैं, उसका वन प्लेस, वंस प्लेस, हाउस ऑफ नंबर आप जानते हैं, प्लेस वैल्यू, वंस प्लेस इज, आपने सिर्फ इतना ही लर्न करना है। वंस प्लेस इज ये आप बुक्स में बना लें, जीरो टू फोर सिक्स और एट। यदि वंस प्लेस एट है तो आपने यस करना है, सिक्स है तो यस, फोर है तो यस, टू है तो यस, जीरो है तो यस, अदरवाइज वन टू थ्री फोर फाइव। इन फाइव नंबर के अलावा यदि वंस प्लेस पर और कोई भी नंबर है वो टू से डिवाइड नहीं होगा। सो 6.5 एक्सरसाइज सम नंबर वन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय टू, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कहते हैं कि नीचे जो आपको संख्या दे रखी है, दी जा रही है, क्या वो दो से भाग हो सकती है, यानी कि क्या टू से भाग हो सकती है, डिवाइजेबल हो सकता है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, जैसे पहले वाला था सोल्यूशन, आपके पास नंबर्स हैं 4816, सिर्फ क्या देखना आपने, वो जो टेबल मैंने बॉक्स में लिखी, ये वंस प्लेस है, इसके बाद आप जानते हैं ये टेंस प्लेस है, ये वाला हंड्रेड प्लेस है, ये वाला थाउजेंड प्लेस है, लेकिन आपने तो वंस प्लेस यानी कि इस राइट हैंड वाले वंस प्लेस को, सिक्स क्या बॉक्स में सिक्स है तो इसका मतलब यस, क्या है यानी कि ये यस आंसर है, मीन टू से डिवाइजेबल है। सेकंड में वंस की प्लेस फाइव, क्या बॉक्स में फाइव है, आप इसमें क्रॉस कर दें, सिर्फ इतना ही देंगे, बाकी रकम पढ़ने की जरूरत नहीं है, नंबर डिजिट आपको बोलने की जरूरत नहीं है। थर्ड में आते हैं, क्या उसमें जीरो है, बिल्कुल जीरो है, वन प्लेस पर भी जीरो है, सो आंसर की यस, यस का मतलब ये जो संख्या है इससे बड़ी हो छोटी हो, लास्ट में यदि जीरो है वन प्लेस पे तो वो टू से डिवाइजेबल है। अगेन वन प्लेस पे आपको फोर मिला, क्या फोर बॉक्स में है, बिल्कुल दौड़ के आप लिखें यस, राइट आंसर। क्या उस बॉक्स में टू है वन प्लेस पे, यस, और क्या उस बॉक्स में वंस प्लेस पे वन है, ये वन वाला है, नहीं है, तो आंसर इज नो। वंस प्लेस वैल्यू आप जानते हैं, अंडरस्टूड है कि यहां से हम राइट हैंड से स्टार्ट, वन वंस टेन्स हंड्रेड एंड थाउजेंड। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय थ्री, समझना है थ्री से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। क्या कहता है, ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय थ्री, एक ऐसी संख्या जो तीन से भाग होती है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजेड बाय थ्री, यदि वो सवाल है जो आपका सम है वो तीन से भाग हो सके, थोड़ा इजी तरीके से हमने बताया। आगे एड द लार्जर नंबर डिजिट्स एंड टू फाइंड, लार्जर नंबर संख्या आ जाए तो आप उसको डिवाइड करेंगे, कोई बहुत सा टाइम लग जाएगा, उसका आसान सा तरीका बताएंगे हमें, एंड टू फाइंड डिवाइजेबल बाय थ्री एज ए टेबल नंबर थ्री, एज ए टेबल नंबर थ्री के रूप में। यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह जानते हैं नाइन तीन से भाग हो सकती है, डिवाइड अंडरस्टूड है, थ्री थ्री जा नाइन, फोर्टी ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा सिक्सटीन,
थ्री सेवन जा 21, थ्री एट जा 24, थ्री टेन जा 30, यानी कि ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे थ्री की टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे थ्री से डिवाइजेबल हैं, भाग हो सकते हैं। कम्स इन द टेबल नंबर थ्री, सो ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइजेबल थ्री। अब आपके पास ये संख्या दी और एग्जामिनर ने पूछा कि क्या ये 9, 12, 15, 21, 24, 30 थ्री से डिवाइजेबल है, आप कहोगे बिल्कुल 100% ये सारे जो नंबर्स हैं वो डिवाइजेबल है। अब ये तो छोटी संख्या थी, आप कर सकते हैं। अब क्या किया, सम नंबर जी देखे 8375, आप कंफ्यूज हो गए। टू की टेबल में तो मैंने बॉक्स में सिर्फ लिखा था 0 आए 2 आए 4 आए 6 आए 8 आए, लेकिन वो कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे, लेकिन इसमें थ्री में ऐसा रूप नहीं है। तो थ्री में जब लार्ज नंबर आ जाते हैं इनको आप जोड़िए, 8 + 3 + 7 + 5, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 5 23। क्या थ्री के टेबल में 25 आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये रोंग आंसर है हमारा, यानी कि हम कहेंगे थ्री से डिवाइजेबल ये वाली नहीं है, नो किया आपने। अगले पे चलते, 1 + 7 8, 8 + 9 17 + 4 21, अब 21 आता है, बिल्कुल ये क्या है, यस आंसर है आपका। बड़ी रकम आप डिवाइड करेंगे बहुत सा टाइम लगेगा, सिर्फ आपने ऐड करना है 8 + 8 + आगे चला गया 2 + 0 1 + 7 वाला 1 7 8 9, ये 21 हो चुका है। 8 2 1 9 पे आते हैं, नो इससे पहले ये रह गया हमारे 2 0 2 + 0 2 + 9 11 11 + 7 18, क्या इसमें 18 आता है, 18 हमने छोड़ दिया था, बिल्कुल आता है। सो इट इज आल्सो राइट आंसर यस। अब 8 2 1 9, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20, क्या थ्री की टेबल में 20 आता है, कभी नहीं आता, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा, रॉन्ग है। 3 0 6 0 हमने जोड़ा, 3 + 0 3, 3 + 6 9, 9 + 0 9, क्या थ्री की टेबल में 9 आता है, बिल्कुल यस आता है, तो ये आंसर आपका यस है। तो हमने अपने आंसर तो कर लिया, यहाँ भी 1 7 9 4 यस, ये यस वाले आंसर भी कह सकते हो, या इसको बराबर जाके राइट जो आंसर्स हैं वो भी आप लिख सकते हो। राइट आंसर्स कौन से हुए, 1 7 9 4, दूसरा 2 0 9 7, आगे 3 0 6 0, आपने जो दी हुई संख्याएं थी नंबर्स थे उनमें से आपने पिकअप कर लिए कि ये थ्री जो नंबर्स हैं ये आपके डिवाइजेबल बाई थ्री। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी बाई फाइव। आपने टू का आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, थ्री का आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, लार्ज नंबर आए तो उनको लार्ज नंबर्स को क्या करते हैं, आपने ऐड कर देना है अलग अलग सेपरेट। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई फाइव क्या कहता है, लुक द टेबल नंबर फाइव, फाइव की टेबल आपको आती है, आपने देखा 5 10 5 15 4 20 5 5 25 5 6 30 7 35 8 40 9 45 and 50, इसका आप देखें वंस प्लेस पे क्या मिला, जीरो, वंस प्लेस पे क्या मिला, फाइव, वंस प्लेस पे क्या मिला, जीरो, वन प्लेस पे क्या मिला, फाइव, वंस प्लेस पे जीरो, वंस प्लेस पे फाइव, वन प्लेस पे जीरो, वन पे फाइव, वन पे जीरो, वन पे फाइव, बहुत इजी तरीका हो गया। क्या तरीका हुआ आपका, ए नंबर इज डिवाइजेबल बाई फाइव, यानी कि कोई भी नंबर है, छोटा हो बड़ा हो कितना भी हो, चाहे वो कितने डिजिट में हो, 10 में 12 में 15 में, कितना आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि यदि ए नंबर ऑफ डिवाइजेबल बाई फाइव इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस, क्या कहा कि वंस प्लेस पे इज फाइव और जीरो, यदि वंस प्लेस पे फाइव हो और यदि वंस प्लेस पे जीरो हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं मे बी
फोर डिजिट, फाइव डिजिट, सिक्स डिजिट, आपको प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल कहेंगे यस। जैसे सम नंबर बी, बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय फाइव, कि कहते हैं कि जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं लगभग फोर डिजिट में है, क्या ये फाइव से भाग हो सकते हैं? आपने देखा वंस की जगह क्या आया, फाइव, वहां पर फाइव बॉक्स में है, यस। आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपने वंस की प्लेस में देखा तो इसका मतलब राइट आंसर है, वंस की प्लेस पे जीरो, क्या बॉक्स में जीरो है, यस। यहां पर दे रखा है 1876, वंस की प्लेस पे सिक्स, क्या उसमें है, नहीं है, उसमें टू नंबर है, फाइव और जीरो, इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा, ये फाइव से डिवाइजेबल नहीं है। फिर आ जाए वंस प्लेस पे कौन है, फाइव, क्या डिवाइजेबल है, बिल्कुल 108%, यस। फिर वंस प्लेस पे कौन आया इस नंबर में, फाइव, क्या डिवाइजेबल है, बिल्कुल यस। वंस प्लेस पे कौन आ गया, टू, क्या फाइव की जो परिभाषा याद की है उसमें टू दे रखा है, नो, या तो वंस प्लेस पे फाइव हो या वंस प्लेस पे जीरो हो, ये दोनों ही चीजें नहीं है, इसका मतलब 6002 फाइव से डिवाइजेबल नहीं होगा। ओके, थैंक यू। आपको टेबल्स आने चाहिए, इस तरीके से और सम घर में बैठकर भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।